मंदसौर जिले वासी बारिश का बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं। चुटपुट बारिश आती है और चली जाती है, लेकिन इस बारिश से आमजन की समस्या हल नहीं हो पा रही है, क्योंकि यही हाल रहा तो शायद वर्तमान की फसल तो ठीक है, लेकिन आने वाली फसल भी नहीं हो पाएगी और हो सकता है वर्तमान की फसल भी नष्ट हो जाए। इसलिए किसान व आमजन, पशु पक्षी सभी को पानी की आवश्यकता है, क्योंकि जल बिना सब सूना है। इसलिए कई लोगों ने कई टोकटे टंबर जतन बहुत कुछ किया। उसी के अंतर्गत आज गांधी चौराहे से एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः गांधी चौराहे पहुंची। शव यात्रा में मंदसौर के बुद्धिजीवी, धर्म प्रेमी और सामाजिक लोग सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य रूप से सुनील वंसल, विनय डुबेला, समाज सेवी रविन्द्र पांडे, दशपुर जागृति मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र सोम सहित कई लोग इस शव यात्रा में शामिल हुए। देखिए, भगवान इंद्र एक हटी ने हमारे भगवान हैं, वो हर बात पर रुक जाते हैं। उसको मनाने के लिए मंदसौर में अनेक लोगों ने अनेक प्रयत्न कर लिए, पर राजा इंद्र नहीं माने। तो निश्चित रूप से एक पुराना अजमाया हुआ टोटका है और उसको चिरतार्थ करने के लिए आज मंदसौर गांधी चौराहे से एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा। मैंने अनेक मुर्दों का तो दाह संस्कार किया ही है, मेरा पहला प्रसंग है कि मैं एक जिंदा व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर मंदसौर के विभिन्न, ये शव यात्रा शमशान जाने के बजाय शहर के मार्गों से होते हुए निकलेगी। देखिए, पानी नहीं गिरा, इसके लिए भगवान तो अपने आप में दोषी हैं, पर उससे ज़्यादा दोषी इंसान है। अपने मतलब के लिए उन्होंने पेड़ काट दिए हैं, अपने मतलब के लिए वो प्लास्टिक का उपयोग करता है, वो पर्यावरण का वो नुकसान करता है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना होगा, वो प्रभु से प्रार्थना। देखिए, एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो मुर्दा व्यक्ति बन रहा है, पहले जफर शेख के नाम से जाना जाता था मुस्लिम समाज से, और उन्होंने चेतन राजपूत के नाम से हिंदू धर्म ग्रहण किया है। और निश्चित रूप से उस मंदसौर शहर में अनेक ऐसे प्रसंग है जिस पर जो हिंदू कौम में पैदा हुए हैं पर वो नहीं कर पाते हैं। जफर शेख भाई, जो चेतन राजपूत के नाम से अब मंदसौर शहर में जाने जाते एक नाम है, उन्होंने आज ये बीड़ा उठाया है। उस बीड़े में हम सब उनके साथ है। अगर पानी गिरेगा तो चेतन राजपूत को फ़ायदा नहीं मिलेगा, पशु पक्षियों को, फसलों को, कुएं बावड़ियों को और मतलब इंसान को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए हम आज ये सोच रहे हैं। मेरा नाम सुनील बंसल है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नगर पालिका परिषद में जनता का उम्मीदवार हूँ। चैतन्य सिंह राजपूत। देखिए, पूरा जिला जो है मंदसौर जिला, ये सबसे कम वर्षा के लिए दर्ज हुआ है और सूखे की स्थिति बन रही है। सभी तरह की यहाँ जो परंपराएं है वर्षा नहीं होने पर वो लोग कर चुके हैं। तो ऐसी धार्मिक आस्था है कि जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाती है ऐसी स्थिति में। तो मैंने अपना शरीर शव के लिए दिया है कि ये इससे अगर इंद्र जो प्रसन्न हो जाए और सभी का कल्याण हो जाए, क्योंकि वर्षा की सभी को आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चींटी से लेकर मनुष्य तक को जल की आवश्यकता है, और ईश्वर से, इंद्रदेव से यही कामना है कि भरपूर वर्षा हो और जल की कहीं। अभी यहाँ मैं यहाँ शव यात्रा निकलेगी जिस पर अर्थी पर मैं लेटूंगा। देखिए, वर्षा कम होने के कई कारण हैं और प्रदूषण हम जितना बढ़ाते जा रहे हैं और पेड़ पौधे जिनके अंधाधुंध कटाई हो रही है और नए पौधे हम रोपें और उनका बड़े होने तक उनका ध्यान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, पर्यावरण को बढ़ावा दें ताकि समय पर अच्छी वर्षा होती रहे। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।